हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके सारे जो डिजाइट होंगे सो वन टाइप मार पावर के। सो जानने के लिए वीडियो जो पूरा एंड तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को क्लिक कर लीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर सेट करके रख दीजिए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना अपने वीवीआई के सेटिंग पे। उसके बाद आपको जो सेंसिटिविटी रहेगा, ठीक है, सो आपके फोन पे कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि उसको जो है पूरा फुल कर देना है, ठीक है। सो जनरल और रेड डॉट दोनों का आपको 100 करके रख देना, बाकी आप एक कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफिक्स, ठीक है। सो ग्राफिक अपने मोबाइल से सबसे रख देना है, ठीक है। सो अगर आपका फोन 8 GB या 6 GB उसके ज़्यादा हाई रैम वाला है, ठीक है, सो आप अल्ट्रा या मैक्स पर रख सकते हो, वरना आप स्टैंडर्ड या स्मूथ पे ही रखिए, वरना आपका फ़ोन लेकर रहेगा जिसकी वजह से आपको वन टैप नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात आता है फायर बटन के बारे में, ठीक है। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ फायर बटन। सो फायर बटन आपको क्या करना है कि 40 से 50 के बीच आपको रखना है, और कुछ यहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है। सो आपको ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे आपको नहीं रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो है आपको ड्रैग करना है, ठीक है। सो ड्रैग कैसे करना है, क्या करना है, सारा सब कुछ मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके आपको बताऊँगा। सो देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड। तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप जब मैं फायर करूँगा उसको, ठीक है, सीधा जो सामने जो एडम खड़ा है, ठीक है। सो जब मैं सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो उसको जो है सीधा वन टैप पड़ जाएगा, ठीक है। सो आप भी पड़ेगा देखना, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही ड्रैग किया उसको सीधा वन टैप पड़ गया, ठीक है। सो इस बात का आपको समझना है जो सामने जो एनिमी रहेगा, ठीक है। सो अगर वो ऐसे ही खड़ा है, ठीक है, तो आप अगर सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो उसको वन टैप पड़ जाएगा। लेकिन एक बात है, ठीक है, सो सामने जो आपके एनिमी रहेगा, ठीक है, आपके सामने जो एनिमी रहेगा वो तो ऐसे ही खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। सो वो तो आपको मारने की कोशिश करेगा, ग्लू वॉल लगेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो आप अगर उसको ट्रैक करोगे तो ऐसे ट्रैक करोगे तो उसको वन टैप नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप ट्रैक करते हो, ठीक है, सो आपको रोटेशन ट्रैक करना है। सो अब बात आता है कि आप रोटेशन ट्रैक कैसे करना है, ठीक है। सो अब आप इस वीडियो पे देखिए मैं किस तरह उसको जो है फायर बटन को नीचे करके राइट से घुमा के ऊपर की तरफ ट्रैक किया और उसको जो है सीधा वन टैप पड़ गया, उसको कहते हैं रोटेशन ट्रैक। आप इस वीडियो पे भी देख सकते हो कि मैं किस तरह जो है फायर बटन को नीचे करके राइट से घुमा के ऊपर की तरफ ट्रैक किया और उसको जो है सीधा वन टैप पड़ गया। सो इस तरह आपको ट्रैक करना है, ठीक है। सो आपको सिचुएशन समझ के आपको ट्रैक करना है। अगर आपको लग रहा है कि एनिमी सामने सीधा खड़ा है या फिर ऑफलाइन चला गया ऐसे ही खड़ा है, ठीक है, सो आपको लग रहा है कि एनिमी खड़ा हो गया, ग्लू वॉल मार के मेडिकेट मारा, तो आप सीधा ट्रैक कर सकते हो ऊपर की तरफ, उसको जो है सीधा वन टैप पड़ जाएगा। और अगर एनिमी मूव कर रहा है, आपके सामने मूव कर रहा है, ग्लू वॉल मार रहा है, जंप कर रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि रोटेशन ट्रैक करना है। अगर आप सीधा ट्रैक करोगे उस टाइम तो आपको वन टैप नहीं पड़ेगा, उस टाइम आपको जो है क्या करना है, रोटेशन ट्रैक करना है। सो आई होप आपने सारा सब कुछ अच्छी तरीके से समझ लगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर सेट करके रख देना। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।